आज रील डाले और हम लोग का झगड़ा होता है। तो आप सोचा करो कि आप भी किसी की बेटी हो। आधा आधा नकाब करके मतलब ही क्या है। तो गाइस बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। आयशा मेरे से बहुत दिनों से गुस्सा भी थी। हम लोग के बीच में ऐसा है कि प्यार तो है ही लेकिन झगड़ा भी होते रहता है, लेकिन हम लोग हर चीज़ आप लोगों को बताते नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है और ऐसा भी होता है कि आप लोगों के कमेंट पढ़ के भी थोड़ा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बस मैं ये सोचा मेरा भी आपका ही अच्छा तो बस वो चीज़ से ना मेरा भी थोड़ा दिमाग वो कि मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग ऐसा कैसे सोच भी सकते हो। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं कि आप लोग पर्सनली नहीं जानते। हाँ अपनी थिंकिंग होती है, हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अल्लाह ने जुबान दिया है तो आप बोलोगे। हाँ। तो अभी मैं आके आपको पैसे नहीं कर सकती। अल्लाह ने आपको हाथ दिया है तो आप टाइपिंग करोगे, तो मैं उसको तोड़ नहीं सकती हूँ। बट आप जो बोल रहे हो और जो टाइपिंग कर रहे हो तो ये अल्लाह की बारगाह में तो ये भी जवाब देगा, ये भी जवाब देगा कि ये इंसान ने सामने वाले इंसान को ये हाथों से ही बुरा भला बोला, ये जबान से ही बुरा भला बोला। तो अभी वो चीज जो हेट भाई दूसरों को हम कुछ बोल ही नहीं सकते। आप लोग बोल सकते हो, आपकी मर्जी, आपके अमल आपके साथ, मेरे अमल मेरे साथ। हाँ तो गाइस आप लोग जो भी बोलते हो थोड़ा तो सोच समझ के बोलना चाहिए। जो लोग हेट कमेंट कर रहे हैं और जो फालतू कमेंट कर रहे हैं उन लोग के लिए, जो लोग प्यार कर रहे हैं वो तो दिख ही रहा है कि कितना प्यार कर रहे हैं, वो चीज़ तो हम लोग देख ही रहे। तो बस मेरी बीवी थोड़ी नाराज थी कुछ दिनों से, तो मैं सोचा कि उसको थोड़ा बहुत दिनों से मैं गया भी नहीं हूँ और बीच में गया भी था तो नहीं मैं वीडियो बना पाया। तो मैं सोचा कि आज बीवी को थोड़ा मनाने के लिए मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ बाहर, और जिशान इस वजह से साथ में नहीं है क्योंकि जिशान कहीं गया हुआ है। तो मैं सोचा मैं भी निकलता हूँ थोड़ा बीवी को साथ में लेके, और वो चीज़ की वीडियो तो जहाँ जिशान गया हुआ है वो चीज़ की ब्लॉग तो आप लोगों को हमारे फोकट चैनल पर मिल ही जाएगा। तो मैं सोचा कि अभी थोड़ा मेरी बीवी को खुश करना ज़रूरी है। और बस चलो अभी तुमको क्या चाहिए ये बोलो, आज तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, जो तुमको खाने का वो खिलाऊंगा, जो तुमको चाहिए वो दिलाऊंगा। बताओ कोई एक चीज से स्टार्ट करते। चीज केक ओके, वॉफल्स ओके, और कुछ तीखी चीज ओके डन। तो मैं निकलते टाइम हाइफा से भी पूछा तो उसको क्रेविंग हो रही थी उसकी भाई पूरी की, तो मैं बोला लेके आता हूँ टेंशन मत ले, और नाथ मम्मी भी आ रहे तो उन लोग के लिए भी कुछ ले लेता हूँ। मैंने एक और चीज़ सोचा हूँ कुछ मेरी बीवी को सरप्राइज देने का, आज नहीं लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही कोई चीज़ का। लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है, ये बस मेरे इमोशंस रहेंगे मेरी बीवी के लिए। वो अभी नहीं, इंशाल्लाह मैं वो चीज़ का एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जो कि सरप्राइज है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ आयशा को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कॉलेज से, अभी मेरी छुट्टी हुई है क्लासेस से और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है गाइस। कॉलेज का प्यार अभिषेक को देख के वैसे ही लग रहा है कि अभिषेक कॉलेज में है और मुझे लेने आया मेरे क्लासेस के बाहर, और हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। बहुत छोटा छोटा फील हो रहा है ये बाल कट, बाल यानी एक हेयर कटिंग कितना ज्यादा इंसान के पूरे हाँ पूरे बॉडी लैंग्वेज। और मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कों को इतना सस्ता बाल कटता है। 140 में अभ्रेश का ये भी कट गया, ये भी कट गया। 140 में तो हमें कोई वो भी मैनिक्योर पेडिक्योर भी नहीं करके देता है। नहीं विभव वो चीज ना यहाँ पे मैं जाता हूँ ना वहाँ कटा लेता हूँ, बम्बई में कटवा लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी उसने ना काट दिया था अक्षत ने, तो मैं सोचा यहाँ पे कैसे भी करके मैं यहाँ करवा के हटाऊँ क्योंकि ये चीज मेरे को बहुत गंदी लगी। और ऐसा हुआ कि ये बहुत ज्यादा अच्छे बाल कट गए वहाँ पे मेरे। हाँ, और अगर ज्यादा भी कोई पैसा लेता तो ज्यादा 500 रुपए ही लेता, 1000 रुपए ही लेता रहेगा। नहीं 500 के अंदर हो जाता, 500 के अंदर भाई इतना कम बाल, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे एकदम चॉकलेट बॉय टाइप। चॉकलेट बॉय नहीं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब चीज़ करवाना इस वजह से छोड़ा था कि मैं ये सोचता था कि कोई मुझे देखेगा तो उसके मन में ये ना आए कि मैं गुंडा हूँ। अच्छा, गुंडा हूँ या छपरी हूँ या मतलब एक नॉर्मली इंसान के दिमाग में आता है ये ऐसे बाल रखा है तो मतलब ये गलत लाइन में रहेगा या कुछ गलत करता रहेगा। इसलिए जब तक शादी नहीं होती है हाँ। तो मतलब ऐसा सोचना पड़ता है कि क्या पता गर्लफ्रेंड या उसके माँ बाप को अच्छा लगे। हाँ। शादी हो गई है तो आपको जैसा करना आप वैसा करा सकते, करवा सकते, लेकिन वही एक चीज आ जाती फिर कैसा अजीब ना लगे ये वो। लेकिन अभी तो मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ये लुक, नजर लग जाती है और हमें तो बहुत नजर लगती है। गाइस ये नजर लगने के ऊपर एक और चीज हुई है क्योंकि आज ही मतलब हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कल आज रील डाले और हम लोग का झगड़ा होता है या तू तू मैं होती है या कुछ ना कुछ होता ही है और हमेशा है।
जो लोग आप लोग इतना प्यार देते हो गाइस माशाल्लाह भी बोल दिया करो, बहुत अच्छा हो जाएगा एक चीज, क्योंकि सब बोलते हैं और फिर उसके बाद 10 बात होती है व्लॉग के अंदर ही, तो उस वजह से ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी रियल लाइफ में भी, नजर इज रियल गाइस, सो रियल नजर से अल्लाह हर किसी को बचाए। और ऐसे जो हेट कमेंट भी करते ना उन लोग भी जिंदगी में बोलते कि अल्लाह हमें नजर से बचाए। आप लोग ही अगर दूसरों की जिंदगी में बुरा भला बोलोगे और नजर लगाओगे तो वही चीज आप पे भी रिटर्न आएगी। तो आप कोशिश करें, अगर आप बुरा बोल रहे हो तो आप ये सोचे कि हम इतना बुरा किसी को बोल रहे ना, हम लोग को जानते हैं पर्सनली ना देखे हैं, और ये चीज सोचो कि अल्लाह जब ये चीज का वो लेगा, हिसाब लेगा, एक एक चीज का जो हिसाब होगा, जब तुमको कोई पूछेगा कि तूने इसको ये क्यों बोला है तो आपके पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा बोलने के लिए। बस सिंपल सी यही बात है गाइस, जो लोग गुना करे उनके गुना उनके साथ है, हम लोग अगर गुना करे तो हमारे गुना हमारे साथ है। भी ऐसा है कि दिल दुखाना, मतलब मैं भी नॉर्मली कमेंट्स पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं एक ही कमेंट पढ़ती हूँ, बहुत सारे जन प्यार भी देते हैं, बहुत सारे जन तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं रिपीट ये नहीं करती कि मैं इसको रिटर्न जवाब दूँ या फिर मैं रिटर्न ये बोलूँ कि मेरे को हेट कमेंट क्यों आ रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता है। जब तक मेरा अल्लाह मुझे जानता है लोगों से फर्क नहीं पड़ता है। और मैं ये बोलूँ आप लोग कोशिश करो कि किसी को इतना बुरा मत बोलो कि वो जबान से कुछ ना बोले लेकिन उसके दिल से ऐसा कुछ निकल जाए तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं मेरा नहीं और ऐसा है गाइस कि मैं आयशा को अपने शादी से पहले से जानता हूँ, तो शादी से पहले और अब मैं लाख गुना फर्क आ गया आयशा के इसमें, बहुत सारी चीजों को देखते हुए कि वो अपना हंसना खेलना वो अभी ऐसा हो गया है कि कम हो गया उसका, वो ना बहुत ज़्यादा चुलबुली है। मेरे को आयशा इसी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद थी और पसंद है भी कि वो बहुत चुलबुली है, मस्ती खो रहे, सबके साथ फ्री रहती है, सबके साथ मस्ती करती है, सबके साथ हंस बोल के रहती है, तो ये चीज़ में लोगों को लगता है कि ये ज़्यादा फ्री हो रही है। अगर वो ये नहीं करती तो ये लगता था कि अरे बहुत एटीट्यूड है, हाँ घमंड दिखा रही है, तो यही सब लोगों को लगता है। तो बस मैं ये चाह रहा हूँ कि बस वो जैसी भी है वो जैसी है वैसी ही रहे, कि मेरे साथ मस्ती खेलती रहती है, घर वालों के साथ भी मस्ती खेलती रहे और वो वैसी रहती है। लेकिन आप लोगों के कमेंट देख देख के ना वो सोच में पड़ जाती कि मैं करूंगी तो लोगों के क्या कमेंट रहेंगे, ये नहीं होने, शांत हो गई। हाँ बहुत ज्यादा शांत हो गई। तो हंसी खुशी के टाइम पे भी ना आयशा का ना ऐसा हो जाता है कि मैं ये करूंगी तो फिर ये कमेंट आ जाएगा, वो कमेंट करूंगी तो मतलब कुछ बोलूंगी तो ये बोलने लगे, तो वो सोचती है और उस टाइम पे ना हंसी खुशी के टाइम पे ना शांत हो जाती है, वो बोला क्या बोलूँ बोल के वो चुप बैठ जाती है। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम लोग, ने बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि हम लोग Q&A वीडियो बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है सवाल के जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है गाइस। हम लोग निकले हैं डेट पे बहुत दिनों बाद, Q&A वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जैसे कि अभी ईशान भाई का अल्हम्दुलिल्लाह से मुंह मीठा हो गया है तो हम लोग सब साथ में बैठ के ही बनाएंगे Q&A इंशाल्लाह, अगर अच्छे से सबका सवाल का जवाब मिल जाएगा कि आयशा इसको पसंद नहीं करती है, आयशा को ये पसंद नहीं है, आयशा को वो पसंद नहीं, मतलब मैं ये बोलूँ कि आयशा करना छोड़ दो, आप जो आ रहा है उसकी ज़िंदगी को आप माशाल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो आपकी भी ज़िंदगी को लेके। शायद अगर आप किसी को बुरा नहीं बोलोगे तो आपकी ज़िंदगी अल्लाह 10 गुना बेहतर कर देगा आपके लिए। तो आप सोचा करो कि आप भी किसी की बेटी हो या आपका भी भाई है, जो भी हो एक्सेट्रा, बस आप ये सोचो कि सामने वाले का बस मेरे बोलने से दिल दुखे ना, तो आप खुद देखो आपकी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आएंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके काम इतने अच्छे चलने लगेंगे, आपके दिमाग में बस ये चीज़ रहेगा ना कि मेरे बोलने पर किसी का दिल दुखे ना, बस ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। तो मेरे को एक और चीज़ दिमाग में आ गई, जबकि ये Q&A ब्लॉग तो है नहीं, लेकिन Q&A मतलब आपके कमेंट्स मेरे को बार बार याद आ रहे कि आयशा नकाब नहीं पहनती है, हिजाब करना चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें, वैसे ज़रूरी है हिजाब करना, अच्छी बात है जो लोग हिजाब करते हैं, लेकिन गाइस ऐसा होता है ना कि आयशा घर में रहती है वहाँ पे हिजाब नहीं रहता है, अब ब्लॉग्स में नहीं दिखेगी तो बोला झगड़ा हुआ, डाइवोर्स होने वाला है, ये होने वाला है इन लोग का, ये वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग बोलते हो, तो वो चीज़ का जवाब मेरे पास तो उस टाइम पे कुछ रहता नहीं है। तो मैं हिजाब के रिलेटेड सिर्फ यही तो उस हिजाब के रिलेटेड मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि मैं आयशा को पूरी तरीके वाला हिजाब तो नहीं करवा सकता हूँ, तो मैं आधा मतलब ऐसा है कि पूरा नहीं करवा रहा हूँ, तो आधा करवा के भी गुना उतना ही है, पूरा करवा के भी पूरा नहीं करवा रहा हूँ, आधा करके गुना ज्यादा होता है, क्योंकि कैसे होता है पता, अगर आप हिजाब कर रहे हो तो अभी अगर इस्लाम की हम अगर चीजें देखने जाएंगे तो औरतों का तो नाखून भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आप हिजाब कर रहे हो तो प्रॉपर करो, अगर आप नहीं कर रहे तो नहीं करो। मेरे को ऐसा दिल में लगता है कि अगर मैं करूंगी इंशाल्लाह अल्लाह मेरे को जल्दी से जल्दी हिदायत है। आधा आधा नकाब करके मतलब ही क्या है कि दुपट्टा है और फेस दिख रहा, तो वो चीज मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो।
जिससे फिर वही वो हिजाब का मतलब ही नहीं है वैसा। हिजाब लेके तो क्या मतलब है वैसा हिजाब करवा के भी ठीक है पहुँचते गए। नॉर्मली भी ऐसे तो जैसे मुझे मतलब बहुत ऐसे कमेंट मुझे भी आए हैं कि और लोग सही कमेंट कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं कि लोग बुरा कमेंट कर रहे हैं कि कुछ जब तैयार नहीं रहती तो बुरका डाल देती है। हाँ ये सच है, ऐसा होता है कि जब मैं नाइट सूट में होती हूँ या फिर मैं नाइटी में रहती हूँ तो मैं बुरका डाल देती हूँ, और ये चीज़ बहुत इतनी गलत चीज़ है ये कि मतलब के लिए बुरका डालना है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बुरका मतलब मैं बुरका अपना ही हूँ या फिर मैं बुरका ही पहनती हूँ हर जगह, मैं नहीं पहनती हूँ। मैं जब भी नाइट सूट या नाइटी पहनती हूँ और ऐसा होता है अब्रिश को कहीं जाना है मैं बुरका डाल देती हूँ कि वो चीज़ गंदी ना लगे, और ये चीज़ बहुत बहुत गलत है गाइस। आप लोग मत करो ऐसा, जो भी लड़कियाँ देख रही है मुझे तो आप लोग ये चीज़ से बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होना ये चीज़ से। अगर आप बुरका पहन के बाहर जा रहे हो तो आप हमेशा ही बुरका पहन के बाहर जाओ। मैं जो कर रही हूँ वो बहुत मैं गलत कर रही हूँ, मुझे पता है ये चीज़, और मैं ये चीज़ कोशिश करूँगी कि मैं हर बार बुरका ही पहन के निकलूँ। तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी अडेप्ट नहीं करना कि हम कहीं जाएंगे कुछ अच्छा नहीं पहने तो बुरका पहन ले। कोशिश करें कि आप हर टाइम बुरका ही पहने, और इंशाल्लाह मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर टाइम कहीं भी जाऊँ तो मैं बुरका पहन के ही जाऊँ, नो मैटर वॉट मैं कहाँ जा रही हूँ। जैसे वो सना खान ने जिन्होंने अपनाया है इस्लाम, वो घूमने भी बाहर अपने हनीमून पे शादी के बाद गए थे, मालदीव्स गए थे, वो वहाँ पे भी वो प्रॉपर पूरा हिजाब में गए थे, पूरा बुरका पहनते। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कहीं भी जाऊँ, मैं वहाँ भी जाऊँ तो मैं बुरके में ही जाऊँ। गाइस दुआ करो मेरे लिए भी कि मैं भी एकदम अच्छे से बुरका अपना लूँ मेरे अल्लाह के लिए। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के लोगों को दिखाने के लिए करना है, मेरे को मेरे अल्लाह के लिए करना है। अगर आप लोगों के लिए किसी को भी मुझे ऐसा दिखाने करना होता तो मैं अभी से डालना स्टार्ट कर देती थी, बट अल्लाह करे दुआ करो कि मेरे दिन में उतनी अल्लाह ताला हिदायत दे कि मैं पूरी तरीके से बुरका स्टार्ट करूँ।